हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे रैप इंडस्ट्री की। रैप इंडस्ट्री अपने आप में एक यूनिक चीज है। इंडिया में पहले रैप के बारे में कोई नहीं जानता था, क्योंकि लोग ये जानते नहीं थे कि सिंगर क्या कहना चाहता है। रैप को पहली बार इंट्रोड्यूस किया बाबा सैगल ने। उस समय रैप कोई ज़्यादा लोकप्रिय नहीं था। उसके बाद जब एंट्री हुई हनी सिंह की, तो रैप सॉन्ग की जैसे एक बाढ़ सी आ गई। हिप हॉप के अंदर ये सॉन्ग सबसे अधिक पसंद किए जाने लगे। मानो कि लोग जैसे रैप सॉन्ग के दीवाने हो गए। अब तो आपको काफ़ी रैपर मिल जाएंगे, और कुछ रैपर म्यूजिक इंडस्ट्री में तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। लेकिन रैप सॉन्ग क्या इतना इजी है? क्या आप इसे कर सकते हैं? सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। अगर आप एक रैपर बनना चाहते हैं, तो आपको एक आइडल बनाना पड़ेगा, या आपका कोई एक आइडल होगा जिसका रैप सॉन्ग आपको सबसे ज़्यादा पसंद आता है और आप उसके गाने सबसे ज़्यादा सुनते हैं। यहीं से आपको रैपर बनने का इंस्पिरेशन मिलेगा। ये बात बिल्कुल सही है कि आप उनसे आगे जा सकते हैं और उनसे भी अच्छा कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आपको खुद का रैप सॉन्ग लिखना आना चाहिए। अब इन रैप सॉन्गों को लिखने के लिए आपको शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद जरूरी है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, नई नई चीज़ों को सीखना चाहिए। आपको हर भाषा के शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। अगर आप इंग्लिश के शब्दों में ज़्यादा जानकारी रखते हैं, ये आपके लिए अच्छा होगा। ये बहुत ज़रूरी है कि आपको ऐसे शब्दों के बारे में जानकारी हो जो बहुत कम लोग जानते हों। आपको लिखने की आदत डालनी पड़ेगी। जब आपको ये पता चलेगा कि आपके अंदर इम्प्रूवमेंट होने लगी है, लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको उन गानों की प्रैक्टिस भी करनी होगी। प्रैक्टिस जितनी होगी उतना डेवलपमेंट होगा। कुछ शर्मीले लोग होते हैं जो गाना लिख तो लेते हैं, मगर है ना गाने में झिझकते हैं, तो वो अपने गाने को मिरर के सामने गाएं या अपना मोबाइल में वीडियो बनाएं, जिससे उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। साथ ही मोबाइल में वीडियो बनाने से ये पता लग जाएगा कि क्या गलतियाँ कर रहे हैं, जिसमें वो इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। दूसरी बड़ी बात यही, गाने को रिदम और राइमिंग के साथ लिखा जाता है। अगर आपके अंदर ये बात नहीं है, तो चाहे कितना भी अच्छा म्यूजिक हो, आप उस म्यूजिक का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको परफेक्ट राइमिंग के साथ सॉन्ग लिखना होगा और वो म्यूजिक के साथ मैच करे। अगर आपके अंदर इतनी कला है, तो आपको रैपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसके साथ जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो सॉन्ग हमने लिखा है, उसे रिकॉर्ड कैसे करेंगे? अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो 800 और 700 रुपए में एक अच्छा माइक आपको मिल जाएगा, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, साथ गाना भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। इतना पैसा आपके पास नहीं होगा कि आप बड़ा महंगा माइक खरीद सकें, और आपको यूट्यूब पर फ्री कॉपीराइट म्यूजिक मिल जाएगा। इसके साथ आप अपने गाने की राइमिंग मिक्स करने की कोशिश करें, और कई सारे चैनल हैं जो YouTube पर म्यूजिक सेल करते हैं, आप उनसे म्यूजिक का लाइसेंस पैसा देकर ले सकते हैं। फिर उस म्यूजिक पर आप अपना सॉन्ग रेडी कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपने नियरेस्ट म्यूजिक स्टूडियो में जाकर अपना गाना रिकॉर्ड करा सकते हैं, और कम से कम बजट में अपना सॉन्ग तैयार कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक अगले टॉपिक के साथ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।